नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा झा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके स्वास्थ्य को स्थिर बताया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर ने उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की सलाह दी है, जिसके मुताबिक कई सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को बताए गए हैं। जैसे उनसे अगर कोई मुलाकात जाते हैं उनसे दूरी बनाकर लालू प्रसाद यादव को उनसे बात करनी है, साथ ही साथ मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर लेना है। इसके साथ साथ जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सारी सलाह लालू प्रसाद यादव को दी गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थक जो हैं वो नाराज हैं, भयभीत हैं और उनमें एक नाराजगी है वो इस बात की कि जिस फ्लोर पर लालू प्रसाद यादव रहते हैं उसके ऊपरी तल्ले पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के दहशत से सभी लोग जो है परेशान है और लोग पहले ही डरे और सहमे हुए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल अलर्ट है। तो रिम्स प्रशासन की तरफ से भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के जिस वार्ड में लालू प्रसाद यादव हैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर ये वार्ड बनाया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। हालांकि इससे पहले ही लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और डॉक्टरों को इसके बारे में बताया था, लेकिन तब डॉक्टरों ने उन्हें समझा दिया था, उन्हें अच्छे तरीके से बता दिया गया कि आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थक अभी भी इससे नाराज हैं और डरे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज।